ऐसे सर दो, ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे। हाँ देख ली वीडियो उसकी, देख ली। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त शिवांग नेहरा लेकर आ गया हूं व्लॉग। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है पालम से, और पालम में है आज मीटिंग गीता चाचा के नए घर में। तो आपने पहले दूसरे व्लॉग में तो देख लिया होगा घर नया, और मैं दोबारा से दिखा देता हूं, सब लोग आ चुके हैं, तो चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट है चाची और के घर, ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ से स्टार्ट है। अभी अंदर चलते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले निकेश भैया दिख गए हैं। भैया जी समोसे गाइज यहाँ पे बैठे हैं। ये है फर्स्ट रूम। चाचा जी, चाचा जी इधर देखो, ये समोसे। हेलो, समोसे बांट रहे हैं। और ये इधर ग्रीस चाचा, चाचा जी हेलो। यहाँ भैया स्नेहा समोसे खाते हुए, यहाँ सारी चाचियाँ। हेलो चाचियाँ, सब हाय करो। हेलो हेलो, चाची इधर देखो। हेलो, आए आज सब लोग आ गए। काम करने नहीं दे, काम करो। अरे चाय2000 years later. हेलो गाइज, हम कल पालम से आ गए थे मंडे को, और आज मंगलवार है, और मेरी दीदी लोग आ रहे हैं आज 4 बजे की ट्रेन में। वो पहुंचने वाले हैं, चुप रहे ना, वो पहुंचने वाले हैं अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, उनसे मिलाएंगे आपको। अभी हो रहे हैं 11:15 हो रहे हैं, फिर आपको हम उनसे मिलाएंगे। तो पालम से मांगे थे जैसे मम्मी ने बताया, तो अभी जेठी और आने वाले हैं, तो उनका स्वागत करते हैं थोड़ी देर में। अभी वो नीचे आएंगे तो उनको लेने जाएंगे हम, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। पहुंच गए जेठी और, हेलो जेठी, दीदी, भैया। 2000 years later. गाइस ये देखिए फूल दे बनाई गई है मौसी के यहाँ। हेलो हेलो, हैप्पी फूल दे मौसी, नमस्ते, हैप्पी फूल दे। हाँ देख ली मौसी, पकौड़े बना रही है, और आप सभी को फूल दे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शाम को पकौड़े बनाने, फूल भी डाले हैं, और आज उधर भी डाल रखे जेठी और दादी की भी दावत है। आज हम लक्ष्मी मौसी ने बुला रखा दावत में, दादी भी आ रही है, बुला रखा है दावत। दादी क्या है आज? आज फूल संग्रह। क्या क्या करते? आज फूल डोली ना, हाँ, और पकौड़े बड़े ना,
हमारे घर को मान लो कंडियो में फूल डोल दिन डेढ़ में तब हम उधर सौगा पकौड़ा दिन वहाँ पैसा दिन वहाँ तब फिर एक महीना तक दोनों में फूल बैसाखी को तब एक तब उ पैसा देने ना तब फूल तब एक महीना तक टुप एक महीना तक दोनों फूल तो बस घर बात ये करे छे वो लांगा जंगल तोड़ी के ना सब कंडी भोरी भोरी के तब डालो चाबा अब कब जब ये तो रिवाज सब कर दी ना कुछ नहीं पर अब दिल्ली में सब बनाने लग गए दिल्ली में अब सब लोग बनाने लग गए खरीदी लाना फूलो फूलों को मैं खरीदी लाना तब दुकान दे दी मां अमन मौसी की दिखे पैर बार ना इधर भी डाल रखे मौसी ने पेपर खत्म गाइस मिर्ची मेरे और अंशी आपके पेपर खत्म हो गए कैसे लग रहे हैं अच्छा लग रहा है टेंशन उतर गया सर से तो दोस्तों यहाँ पे लग चुकी है प्लेट और दादी चक के बताएगी अभी दादी चखो तो अभी सबको मिलेगा इसको भी मिलेगा हेलो शीता जेठी को अभी पकोड़े आए नहीं है जेठी के जेठी कैसे लग रहा है दिल्ली में आके अच्छा लग रहा है बहन है छोटी बहन है बड़ी बहन है उनके बच्चे हैं दादी है अभी जेठी ने बहुत जगह टूर पे जाना है इस्कॉन भी ले चलते हैं ना मतलब बुला रहा जगह जगह कोटगढ़ जाने से पहले इस्कॉन भी चलेंगे अभी देखते हैं है देखते नहीं है चल कैसा है जेठी टेस्टी चलिए खाते हैं हम भी यहाँ पे हमारे बालों की चंपी हो रही है जेठी भी है बगल में शिवांग के सर में चंपी चंपी हो रही है क्योंकि शिवांग के सर में दर्द हो रहा है जेठी मॉल में क्या क्या लिया आपने एक प्लाजो लिया प्लाजो एक वो लिया क्या बोलते पेंट वगैरह मतलब ऐसे मैंने कहा यहाँ पे सही मिल जाती है ना अब एक इसके लिए ये वाला सलवार लिया उसको मंडिया मुंडिया कर दिया मंडिया लिया उसको उसको दिखा नहीं सकते चिढ़ जाता है सुलार दिखा दे उसका ऊपर मत दिखाना नीचे वाले से मुंड मत दिखाना उसका अब जंपी हो रही है शिवांग की शिवांग कब से लगा हुआ था कि आज जिट्ठी या उसके बर्थडे में भी नहीं आ पाए मैंने कहा चलो अब जाते हैं जिट्ठी को आए बेबी कितने दिन हो गए तो दोनों ब्लॉग डाले नहीं सबसे दिनों ब्लॉग तो डाले नहीं तू ने उस दिन डालूंगा मैं तो अभी इधर हूं क्या पता लोग बोल रहे हैं कि जिट्ठी को मैं देखूंगा जिट्ठी के सब्सक्राइबर हैं सब्सक्राइबर को याद कर रहा हूं मैं जिट्ठी को बोलूंगा कहां गए आजकल आजकल वो याद कर रहे होंगे सोमी यार क्या नाम है उसका अथर अथर बोल रहे कहां जाऊं मैं अथर बोलो वो सौंफ कहां से खाऊं मैं अरे दोनों बहनें आजकल दिन भर चुगलबंदी दिन भर ककलाट करती रहती है एक तो सारे दिन भर मोबाइल पर रहती है एक ने अपने पति के साथ बातें करना छोड़ दिया पति दिल बजा कर बजा नहीं नहीं हम पति दादी को भी ले गए थे आज मॉल में हां उधर ही आया तो मैं इधर भी रुक जाओ मैं दादी को मॉल में ले गए तो घुमा के मैंने कभी-कभी ये मौका मिलता है जेठी एक साल बाद आई है दोबारा जेठी पिछले साल तो, पिछले साल आई थी सर्दियों में अब तो मेरा बेटा यही है तो मैं आती रहूंगी हाँ। पर वैसे खास ठिकाना नहीं है अभी अभी सुमन के घर में ठिकाना हाँ। नहीं मतलब ऐसे तो रहेंगे भैया का अभी पार्क है तो जा भी सकते ऐसे कुछ नहीं है भैया रूम ले लेगा तो रहूंगी अभी हमारे घर पे स्टैंड है उसी की वजह से तो आई मैं भैया की वजह से अब झूले के लिए जा रहे हैं अब घर में फिर तब को बात है गर्मी हो जाएगी अरे एक की टिकट 22 तारीख थी अरे वो आ रही थी लक्ष्मी की लड़की हमारे साथ कंफ्यूज हो गया उसका शनिवार कराने थे तो शुक्रवार के कर दी अब क्या होगा देखते हैं अभी तक अरे अंशी का दिल टूटे दिल टूट गया बेचारी का नहीं वो आएगी हमारे साथ शनिवार को हो जाएगा उसका कल भी हमारा कहीं जाने का प्लान है तो आप व्लॉग में देख लेना आगे देखते रहना तो अभी ये वाला व्लॉग तो यहीं पे खत्म करेगी क्योंकि व्लॉग
पिछले इतवार से शुरू हो रखा है। ये पिछले संडे से व्लॉग बन रहा है। गीता चाची के यहाँ भी ढंग से नहीं बन पाया क्योंकि सब बिजी थे, फिर व्लॉग भी क्या ही बनता, तो बस थोड़ा बहुत बनाया, बाकी फुल दही का बनाया है बस। दिखाए चलिए में। अगर आपको व्लॉग पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब करना, बाय बाय, और बेल आइकन का वो जरूर दबा देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब सुमन के बोलने से तो जरूर ही दबाना। मम्मी की रील आपने देखी होगी, आटा गूंथ दे, आटा गूंथ दो।